वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में स्पेशल बात करेंगे, यूपीपी स्पेशल बात करेंगे और यहाँ पे और पीएससी वाले कैंडिडेट के बारे में बात करें। न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है, ज़बरदस्त अपडेट आपको देने वाले हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन चुके थे लेकिन जब तक ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर दिया गया तब तक वीडियो नहीं बना रहे थे। अब एकदम ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि भैया आपकी पुलिस विभाग में नौकरी आने वाली है, कितनी आएगी सब कुछ बताने वाले हैं और खुशखबर पीएससी वाले कैंडिडेट के लिए वो भी बताने वाले हैं। लाइन पर बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ पर जल्दी से फटाफट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो शिक्षा और पुलिस स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे सबसे ज़्यादा मौके। दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। भैया आप सभी को पता है 2022 में इलेक्शन है, ठीक है ना, 2022 में चुनाव है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 लाख पद, यहाँ देखो दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्लियर। तो भैया आपकी जो है वैकेंसी कब तक आ जाएगी, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है ना, यूपीपी न्यू वैकेंसी, क्लियर। तो बताने वाले हैं कितनी पोस्ट आने वाली है, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं और पीएससी की जबरदस्त अपडेट देने वाले हैं, क्लियर। यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं एनबीटी ब्यूरो। लखनऊ कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दे दी है। प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी विभागों को खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। पिछले 4 साल में अलग अलग विभागों में लगभग 4 लाख नौकरी दे चुकी योगी सरकार। कल लक्ष्य दिसंबर तक प्रदेश के युवाओं को 1 लाख रोजगार देने का, यानी सरकारी, ठीक है ना, गवर्नमेंट। तो भैया यहाँ पे देखो सबसे पहले जॉब कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखो जॉब के लिए काम किस चीज़ है, यहाँ पे देख लो फटाफट। यहाँ देखो पुलिस विभाग में, इसमें देखो सबसे अधिक नौकरियाँ किस विभाग में आएंगी याद रखना। अगले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा जिस विभाग में नौकरी आने वाली है उसमें नंबर वन पे है, देख लेना, पुलिस विभाग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है ना, और आबकारी विभाग पुलिस जिसको बोलते हैं। ये इसी 4 बार विभाग में नौकरी आने वाली है, जिसमें से आपको पद बता दे रहे हैं कितने होंगे। लगभग इसमें से पुलिस विभाग में कितने पद होंगे, लगभग यहाँ पे देखो टोटल 52,000 प्लस पोस्ट होने वाली है यूपीपी की, क्लियर। 52,000 प्लस पोस्ट होगी, इससे कम नहीं होगी। और यहाँ पे देखो पीएससी वाली कैंडिडेट के लिए, आप यहाँ देखो पीएससी जो कैंडिडेट आपका जॉब आने वाला है, तो भैया यहाँ देखो पीएससी में बढ़ेंगे 3,134 पद और बढ़ाए जाएंगे जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है तैयार। यहाँ पे देखिए आगे पीएससी में बढ़ेंगे 3,134 पद नए बढ़ाए जाएंगे। तो भैया कहने का मतलब ये है, आप सभी को पता है जब भी जॉब निकलते हैं यूपीपी तो सिविल की सीट ज़्यादा होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या बात कही गई, यहाँ देखो अमर उजाला ब्यूरो में, लखनऊ पीएससी और नागरिक पुलिस में समानता के लिए पीएससी में नए पदों को सृजन होगा। इसके लिए पीएससी मुख्यालय को प्रस्ताव को डीजी मुख्यालय ने शासन को भेज दिया है। भैया शासन को ये सारी चीज़ जो है भेज दी गई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, आपका 100% क्लियर हो गया, 52,000 वैकेंसी आ जाएगी। प्लीज़ अच्छे से तैयारी कर लेना, लास्ट मौका होगा, याद रखना लास्ट मौका होगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा या जनवरी में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। और प्लीज़ सब लोग जितने भी कैंडिडेट अब जुड़े होंगे, नए बच्चे सब जुड़ जाना, सब कुछ ऑल अपडेट इस पर मिलेगा, स्मार्ट स्टडी सब कुछ क्लियर, कटा वगैरह सारी जानकारी इस पर मिलेगी, टोटल A to Z। तो भैया न्यू वैकेंसी आने वाली है, हैप्पी रहना, खुश रहना, जबरदस्त खुशखबरी है, 1 लाख नए पद आने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पद होगा पुलिस विभाग का, क्योंकि यही मेन रोल प्ले करेगा, चुनाव मुद्दा बनेगा, ठीक है ना। तो भैया एग्ज़ाम भी UPSI जल्दी होगा। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जो पीएससी वाले कैंडिडेट हैं अब सिविल के बराबर आ जाएंगे, मतलब पोस्ट में, ठीक है ना। तो इनकी सीट भी बढ़ाई जा रही है, पहले आपको पता होगा 31,000 सीट थी सिविल में, तो 18,208 थी। तो भैया इसमें बहुत ज़्यादा सीट बढ़ाई जाएगी, इस बारे याद रखना, सिविल में जो पीएससी वाले कैंडिडेट की सीट बढ़ने वाली है, सर्वोत्तम वाले आप सभी को पता है पावरफुल जॉब होती है पीएससी की। तो भैया इसमें सीट बढ़ने वाली है, हैप्पी रहना, मुस्कुराते रहना, जबरदस्त आप सभी को नौकरी मिलने वाली है, तैयारी लेकिन करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत तेज़ी के साथ योगी सरकार लेगी, एग्ज़ाम लेने में तो माहिर है, ठीक है ना, एग्ज़ाम आप सभी का तेज़ होगा और तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना, बिल्कुल लापरवाही मत बरतना, ठीक है ना। लास्ट मौका है, इस बार जाने मत देना, सिलेबस वगैरह सब कुछ बता दूंगा, तैयारी कैसे करनी, स्मार्ट स्टडी भी सब कुछ मिल जाएगी। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।